वहीं हमारे सहयोगी बसंत पांडे ने राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग से खास बातचीत की, क्या कुछ कहा उन्होंने आइए आपको सुनवाते हैं। तकनीकी शिक्षा विभाग और संस्कृत विभाग की जिम्मेदारी डॉक्टर सुभाष गर्ग को दी गई है। इंडियन न्यूज़ पे खास बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं सर क्या कुछ प्रमुखताएं रहेंगी अब विभाग मिला। देखिए मुझको सर्वप्रथम तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, उन्होंने एक तकनीकी शिक्षा जैसे एक इम्पोर्टेंट जो है विभाग मुझको दिया गया, और क्योंकि मेरा फोकस यूथ का है, यूथ से रिलेटेड ये विभाग अच्छा है और उसमें मेरा फोकस रहेगा। जो टेक्निकल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे उसमें यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, पॉलिटेक्निक हैं, इनकी वर्किंग को सुधारना, नंबर टू यूथ्स के लिए प्लेसमेंट फैसिलिटीज को बढ़ाना, किस तरह से उनके लिए हम अच्छे रोजगार दिलवा सकते हैं, तीसरा जो इंजीनियरिंग गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो ड्रॉप आउट हो रहा है वो भी एक चिंताजनक इशू है, उस पर भी फोकस करना है, प्लस जो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनकी व्यवस्था कैसे सुधरे, ये मेरा फोकस रहेगा। ये मेरा एक वो है कि यूथ को सेंटर पॉइंट मानते हुए उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कैसे बढ़ाया जाए इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से। चिकित्सा शिक्षा की भी जिम्मेदारी दी गई है, इसमें क्या? देखिये मेरे को वो जिम्मेदारी दी गई है, हालांकि कैबिनेट मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा जी हैं, ही इज ऑल्सो क्वाइट एफिशियंट पर्सन, और हम मिलकर के निश्चित रूप से चाहेंगे चिकित्सा और मेडिकल हेल्थ एंड सर्विसेज हैं वो आम जन को कैसे बेहतर मिल सके। जो माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा पिछले कार्यकाल में जब दवाइयों की जो फ्री योजना जो लागू गई थी, फ्री वितरण की, उसको कैसे और अच्छा बनाया जाए, क्योंकि पिछली सरकार ने उस योजना को तहस नहस कर दिया एक तरह से, नाम मात्र नाम की योजना चलाई गई, नाम के लिए को बंद कर नहीं सकते थे, तो उसमें अधिक से अधिक दवाइयां फ्री मिले हमारे आमजन को, गरीब को, कमजोर वर्ग को कैसे राहत मिल सके इन हॉस्पिटल्स में, मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से और चीजों के माध्यम से, ये हमारा फोकस है। घोषणा पत्र में युवाओं को साथ लेकर उनको रोजगार देने की बात भी कही थी, उस पर कैसे काम किया जाए? वही है, टेक्निकल एजुकेशन मेरा तो पार्ट है और जो राजस्थान सरकार का एजेंडा है, हमारे लोकदल का भी एजेंडा है, उसको भी फोकस करेंगे मिलकर के। यही है कि उस एजेंडा जो रोड मैप तैयार किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, पहली मीटिंग में उन्होंने घोषणा कर दी थी सचिवों की मीटिंग में, उसको लेते हुए अभी जो फिलहाल उन्होंने 60 दिन का रोड मैप तैयार करवाने की बात कही है विभागों से, तो हमारा भी फोकस रहेगा कि 60 दिन के अंदर अंदर कैसे हम गुड्स एंड सर्विसेज की डिलीवरी करें और कैसे मॉनिटरिंग फॉलोअप करते हुए उसमें सुधार करें, क्योंकि निश्चित रूप से समय बहुत कम है और काम ज्यादा करना है। पिछले 5 सालों में जो स्थिति राजस्थान की हुई है उसको कैसे सुधार करके, और जो राजस्थान को एक तरह से ये कह दीजिए डेब्ट में डाल दिया गया है, और सबसे बड़ी स्थिति फाइनेंशियल पोजीशन को सुधारना भी है, किस तरह से जो है अभी जो इन्होंने कर्जे का भार छोड़ के गई है सरकार, पिछली सरकार, और एक तरह से आंकड़ों का वो करते हुए और एक बहुत बड़ा भार एक अतिरिक्त तौर पैदा करके गई है पिछली सरकार, तो उसको भी कैसे मीट आउट करेंगे हमारा फोकस रहे, उसको ये कैसे लगे कि सरकार वर्तमान सरकार हमारी सरकार है जो हमारे लिए कल्याण का काम करने के लिए है, तो वो फोकस है। उसके बाद कोई भी चुनाव हो अपने आप ही उसका रिजल्ट हमारे अनुकूल होगा, ये मेरा मानना है। ये थे डॉक्टर सुभाष गर्ग जी ने बताया जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उनको पूरा किया जाएगा, साथ ही युवाओं को साथ लेकर चला जाएगा। कैमरा पर्सन विष्णु सिंह के साथ मैं बसंत, इंडिया न्यूज़ जब